महात्मा बुद्ध के शिष्य प्रतिदिन की भांति उनका प्रवचन सुनने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में बुद्ध पधारे। शिष्यों ने देखा उनके हाथ में एक रस्सी है। वह आश्चर्य से बुद्ध को देखने लगे कि यहाँ पर रस्सी लाने का क्या प्रयोजन है। बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना कुछ कहे रस्सी में गांठ लगाने लगे। शिष्य अब भी उन्हें आश्चर्य से देख रहे थे। उन्होंने रस्सी में 3 गांठें लगाई और उसे शिष्यों को दिखाते हुए पूछा, आप सब मेरे हाथ में ये रस्सी देख रहे हैं? आपके सामने ही मैंने इसमें 3 गांठें लगाई। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठें लगाने के पहले थी? एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, तथागत, मैं इस रस्सी को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखता हूँ तो आपके प्रश्न के अलग उत्तर पाता हूँ। एक दृष्टिकोण से लगता है कि रस्सी में 3 गांठें लगाने से इसका स्वरूप परिवर्तित हो गया है। दूसरे दृष्टिकोण से लगता है कि रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका मूल स्वरूप तो वही है, ये आखिर है तो रस्सी ही। बुद्ध बोले, सही कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये कहकर वे रस्सी के दोनों छोरों को पकड़कर खींचने लगे। शिष्य ने उन्हें रोकते हुए कहा, तथागत, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह तो खुलने के बजाय गांठें और कस जाएगी, तब इन्हें खोलना और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। तब बुद्ध ने पूछा, तो तुम ही बताओ कि इस रस्सी की गांठों को कैसे खोला जाए? तब शिष्यों ने कहा, तथागत, इन गांठों को खोलने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि ये लगाई कैसे गई है। ये जानने के बाद ही इन्हें खोलने का प्रयास करना होगा। बुद्ध बोले, सही कहा, रस्सी और इसमें लगाई गई गांठों द्वारा मैं तुम्हें जीवन में आने वाली समस्याओं के निवारण का सही तरीका बताना चाहता हूँ। रस्सी जीवन है और इसमें लगी गांठें जीवन में आने वाली समस्याएं हैं। जब भी जीवन में समस्याएं आए तो पहले उन समस्याओं का मूल कारण जानने का प्रयास करो। कारण जान लेने के बाद ही उनका निदान संभव है। लोग ये जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि समस्या उत्पन्न कैसे हुई है और उनका समाधान खोजने में लग जाते हैं। प्राय मेरे पास समस्याएं लेकर आने वाले लोग पूछते हैं कि मुझे अत्यधिक क्रोध क्यों आता है, इसका निदान बताइए। वे कभी जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि उन्हें क्रोध क्यों आता है। वे अहंकार समाप्त करना चाहते हैं किंतु कभी यह जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं कि उनमें अहंकार उत्पन्न कैसे हुआ। बिना समस्या का मूल जाने उनका निदान संभव नहीं है। समस्याओं की जड़ समझ जाओ और उन्हें जड़ से ही समाप्त कर दो। दोस्तों, समस्याओं के समाधान के पहले अच्छी तरह सोच विचार कर ले, ये जान ले कि समस्या उत्पन्न कैसे हुई, फिर ये जानने का प्रयास करें कि उसके निवारण के लिए क्या किया जा सकता है। निवारण का तरीका समझ में आने के बाद उसके निवारण में जुट जाएं, समस्याओं में उलझे नहीं, शांतिपूर्वक विचार कर उन्हें सुलझाएं।